हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं टिकी और स्वागत है आपको अपने चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो आज मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करने वाली हूं मांग टीके के ऊपर। तो ये जो मांग टीका है, देखिए ये मांग टीका नॉर्मल इतना ही लेंथ रहता है। तो मांग टीका हम पफ के अंदर से कैसे अच्छे से सेट कर पाएँ, तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत काम की चीज़ है, हर बार हमें ये काम में आता है। लेकिन प्रॉपर तरीका इसे किसी किसी को शायद ना आता होगा, लेकिन सबको आता है जनरली। बट फिर भी जो किसी को हेल्प मिल जाए मेरे वीडियो से बहुत खुशी होगी मुझे, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो मांग टीका आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं लगाने वाली हूँ, मैं ये वाला लगाने वाली हूँ। वो क्यों मैं दिखाई, एक्चुअली उसका लेंथ जो है नॉर्मली उतना रहता है, लेकिन ये वाला मैं जो लगाने वाली हूँ इसका लेंथ बहुत छोटा है। छोटा हो या नॉर्मल लेंथ हो, इसमें क्या है ना, काला धागा ऐड कर देना ही सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इससे मांग टीके को काफ़ी पीछे तक ले जाके उसको सिक्योर कर पाएंगे। एक्चुअली मांग टीका का लगाने का सही तरीका यही है, आप काला धागा उसमें ऐड कर दो और जितना हो सके पीछे के तरफ ले जाके बेबी पिन से सिक्योर करो। हाँ, उससे पहले आपको अच्छे से कॉम करके बीच का मांग निकालना होगा। बीच का मांग अच्छे से निकालिए, उसके बाद आप मांग टीके को अच्छे से बहुत पीछे तक, देखिए मैं कहाँ पे सिक्योर की हूँ, यहाँ पे अच्छे से बेबी पिन से क्लिप से आपको जितना आप अच्छे से आपको टाइट लगे, टाइट फील हो, उतने हिसाब से आप सिक्योर कर दीजिए। देखिए अभी हमारा मांग टीका लग गया है और उसके ऊपर से हम पफ बनाएंगे, यही ट्रिक है। देखिए मांग टीका पहले सेट कर देना है, उसके बाद पफ के लिए हमें दोनों साइड से बराबर हिस्से में बाल निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके। डिवाइडर कॉम्ब आता है, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो या फिर हाथ के हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। चलिए अभी अच्छे से मैं दोनों तरफ से कॉम्ब कर रही हूँ। अभी ये हो रहा है बैक कॉम्ब, देखिए उसको थोड़ा फ्लफी लुक और देने के लिए ये बैक कॉम्ब हो रहा है। जितना आप बैक कॉम्ब करोगे उतना आपका फुला हुआ आएगा पफ। तो और भी उसका जो है पफ फिलर देते हैं हम, वो भी हाइट वाला दे सकते हैं, कम हाइट वाला दे सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा हाइट नहीं बनाना है, पर तरीका एक ही है। देखिए मैंने फिलर डाल के उसके बाद दोनों तरफ हाथ से थोड़ा सेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्लिप से सेट कर दूँगी दोनों तरफ। यही छोटा सा ट्रिक है बट बहुत काम का है हम लोगों के लिए, और बहुत इजी भी होता है ये, एक्चुअली लुक भी बहुत अच्छा आता है और इजी भी होता है। और ये पफ फिलर दे देने से तो और इजी लगता है कहीं फिसलने का, कहीं गिरने का। इसके बाद आप हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो लॉन्ग लास्टिंग के लिए, बट मैंने यहाँ पे मैं जितना हो सके कम यूज़ करती हूँ हेयर स्प्रे वगैरह। तो देखिए ये हमारा बन गया पफ। आप बाल खुले भी छोड़ सकते हो, लेकिन और एक चीज़ मैं ये छोटी सी चीज़ इसके साथ शेयर कर रही हूँ, रेडीमेड बन जो आता है उसे हम किस तरह से सेट करें बालों में। देखिए इतना छोटा सा बाल है मेरा, मैंने पहले कॉम करके एक चोटी बना ली, उसके बाद उस चोटी को रोल करके और एक रबर बैंड से मेरा फ्ली इसे ऐसे बांध दे रही हूँ, और इसके ऊपर हम वो जुड़ा लगाएंगे। देखिए ये जुड़ा इस तरह का नेट होता है, उसमें ये नेट से हम कवर कर देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट बहुत एक्चुअली जो मार्केट में अभी फ़िलहाल सब चीज़ें आ गई हैं उससे बहुत आसान हो गया है हमें ये सब स्टाइल ये सब करना। तो देखिए यू पिन की मदद से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, बस हो गया हमारा स्टाइलिश जूड़ा भी बन गया और सामने की तरफ पफ भी बन गया। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।